students, in the part one of this poem, Indian Weavers, by Sarojini Naidu, we have seen the introductory part of the poem. We have also seen stanza first. In first stanza, Sarojini Naidu asked a question to weavers who are weaving a garment at the time when light appears in the morning, means at break of day. Poem mein jo bola gaya hai, at break of day. At that time, weavers are in very happy mood. And they answer happily that they are weaving blue color garment for a newborn child. In this stanza, Sarojini Naidu speaks about first event in human life, that is childhood. तो जो पहला पार्ट है इस पोएम का, इंडियन व्यूअर्स, हमने देखा लास्ट वीडियो में, तो उसमें हमने क्या देखा, जो इंट्रोडक्ट पार्ट है उसमें हमने पोएट का इंट्रोडक्शन देखा था, पोएम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, फिर स्टैंजा फर्स्ट में हमने देखा कि जो पोएट है सरोजिनी नायडू, वो व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछती है कि एकदम हैप्पी मूड में वो क्या बुन रहे हैं, तब उसी हैप्पीएस्ट मूड में जो व्यूअर्स है आंसर देते हैं कि हम एक ब्लू कलर का जो गारमेंट है जो न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसके लिए हम बुनने का काम कर रहे हैं. तो ये था फर्स्ट स्टैंजा. सो स्टूडेंट, लेट अस सी द रिमेनिंग पोएम और रिमेनिंग स्टैंजास ऑफ दिस पोएम. लेट अस सी द सेकंड स्टैंजा. व्यूअर्स व्यूइंग एट फॉल ऑफ नाइट. At fall of night means here, what time? The time of day immediately following the sunset. कौन सा time? The time of day immediately following the sunset. Sunset के बाद में आने वाला जो time है उस समय को कहते हैं at fall of night, जिसे हम evening भी कहते हैं, संध्या का समय. Why do you view a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. We view the marriage veils of a queen. Veils. The veils means here that facial covering. Veils means facial covering. Queens वगैरह जो अपना चेहरा ढकने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं, पर्दा यूज़ करते हैं, जिसे बुरखा भी कह सकते हैं. तो वेल्स मीन्स वो फेसियल कवरिंग, चेहरा ढकने के लिए यूज किए जाने वाला कपड़ा या पर्दा. ओके, तो डिटेल मीनिंग देखते हैं. व्यूअर स्विविंग एट फॉल ऑफ नाइट. व्यूअर क्या कर रहे हैं, व्यूअर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कौन से समय में, द टाइम ऑफ डे इमीजिएटली फॉलोइंग द सनसेट. सनसेट के बाद में आने वाला जो टाइम होता है, मतलब इवनिंग जो टाइम है, संध्या के समय में वो अपना व्यूइंग का या कपड़ा बुनने का काम कर रहा है. What do you view a garment so bright? तभी पोएट यहाँ पे पूछती है व्यूअर्स को, why do you view a garment so bright? इतना जो ब्राइट दिखने वाला, एकदम तेजस्वी दिखने वाला, चमकने वाला ये जो गारमेंट है, तुम क्यों बुन रहे हो, किस लिए बुन रहे हो? Like the plumes of a peacock, purple and green. जो कैसा है, कैसा दिखता है, Like the plumes of a peacock. जो पीकॉक है, मोर है, उसके पंखों के जैसा पर्पल और ग्रीन दिखता है. तो दोनों भी कलर आपको पता है, पर्पल जैसे बैंगनी कलर या फिर जामुनी कलर जिसको हम कहते हैं, और ग्रीन कलर. तो ऐसे कलर का जो पीकॉक का फीदर होता है, पंख होता है, उसके तरह का ये गारमेंट तुम क्यों बुन रहे हो? तभी व्यूअर्स आंसर क्या देते हैं, वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. हम क्यों बुन रहे हैं, किसके लिए बुन रहे हैं, हम वी व्यू द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. एक जो रानी है उसके लिए जो चेहरा ढकने का जो पर्दा होता है, वेल्स होता है, कवरिंग, फेसियल कवरिंग के लिए यूज़ किए जाने वाला जो कपड़ा होता है, वो बुनने का काम हम कर रहे हैं, ऐसा आंसर यहाँ पे व्यूअर्स पोएट को देते हैं.
ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट स्टैंजा. वी वर्स विविंग सोलम एंड स्टील. सोलम मीन्स ए वेरी सीरियसली, सोलम वेरी सीरियसली, स्टील मीन्स कामली. व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड. वी व्यू अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड. फ्यूनरल जो अंत्ययात्रा होती है, और श्राउड मीन्स अ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड. अ क्लोथ इन विच अ डेड पर्सन इज रैप्ड, वो कपड़ा जिसे हम कफन कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो डेड बॉडी है उसको रैप किया जाता है, उसको लपेटा जाता है. ओके, लेट अस सी द डिटेल मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा. वीवर्स विविंग सोलोमन एंड स्टील. वीवर्स विविंग सोलोमन एंड स्टील. तो यहाँ पे वीवर्स क्या कर रहे हैं, एकदम गंभीरता के साथ, शांति के साथ वो अपना कपड़ा बुनने का काम कर रहे हैं. कैसे मूड में? इन वेरी सीरियस एंड काम मूड. सीरियसली, कामली वो ये काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे अलग अलग मूड में बताया गया है, हमने देखा है पहले. तो सीरियसली और कामली कपड़ा बुनने का काम वो कर रहे हैं. व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल. तभी पोएट जो सरोजिनी नायडू है व्यूअर्स को पूछती है, व्हाट डू यू व्यू इन द मूनलाइट चिल, कि ये जो चंद्रमा का आने वाला शीतल प्रकाश है, इस प्रकाश में तुम क्या बुन रहे हो. व्हाइट एज फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड. जो कपड़ा कैसा है, व्हाइट एज अ फीदर, जो सफ़ेद दिखने वाले फंख होते हैं, या फिर जो सफ़ेद आने वाले जो क्लाउड्स होते हैं, ढग होते हैं, है ना, स्काई में आने वाले, तो इनको तेरा व्हाइट दिखने वाला ये कपड़ा तुम क्यों बुन रहे हो, क्या कर रहे हो. तभी व्यूअर्स आंसर देता है, वी व्यू अ डेड मैंस फ्यूनरल श्राउड. हम क्या कर बुन रहे हैं, ये व्हाइट जो कपड़ा है वो क्या है, हम जो डेड बॉडी लपेटने के लिए यूज़ किए जाने वाला जो कफन होता है, वो कफन बुनने का काम हम कर रहे हैं, वो वस्त्र बुनने का काम हम कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज द पोयम एंड वी हैव सीन हाउ द पोएटेस सरोजिनी नायडू डिस्क्राइब थ्री डिफरेंट्स और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये तीन जो स्टैंजा है पोयम की, इन तीनों भी स्टैंजाओं में जो पोएटेस है सरोजिनी नायडू, उन्होंने किस तरह से मानवीय जीवन के तीन अवस्थाओं का वर्णन यहाँ पे किया है. पहली अवस्था पहले स्टैंजा में देखा हमने, चाइल्डहुड, है ना, तो व्यूअर्स उनके लिए भी कपड़ा सिलाते हैं या बुनते हैं. देन एडल्टहुड, देन जो यंग एज है, ठीक, वो हमने देखा, उसमें भी कपड़ा बुनने का काम, या यंग लोगों के लिए भी कपड़ा बुनने का काम जो व्यूअर्स है वो करते हैं. और लास्ट ओल्ड एज, जब अंत समय आता है, जब इंसान डेथ के पास होता है, या फिर वो उसका मृत्यु हो जाता है. तो जन्म से लेकर तो मृत्यु तक जो भी वस्त्र लगते हैं वो व्यूअर्स लोग बुनने का काम करते हैं. तो इसी पोएम में यही बताया गया है व्यूअर्स लोगों के बारे में, जो इंडियन व्यूअर्स थे. तो एक्चुअली द व्यूअर्स आर देयर इन एंशियंट टाइम, इन ओल्ड टाइम, उनके हाथ के बुने हुए कपड़े ही लोग पहना करते थे. उनका जो भी हम कह सकते हैं बिजनेस, इन ओल्ड टाइम इट वॉज रनिंग वेल, अच्छा चलता था. लेकिन अब क्या हो गया, इन मॉडर्न टाइम लॉट ऑफ मशीनरीज टेक प्लेस ऑफ दैट व्यूअर्स, जो हाथों से बुनते थे उनकी जगह अब बहुत सारे मशीनों ने ले लिए. अब सारे कपड़े मशीन से बनते हैं और वही लोग यूज़ करते हैं. लेकिन प्राचीन टाइम में इन व्यूअर्स को बहुत वैल्यू थी. बट इन मॉडर्न टाइम्स अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो इनकी जो कंडीशन है थोड़ी कैसी है, जिसे ख़राब कह सकते हैं, बैड कह सकते हैं, है ना. फिर भी इस क्राफ्ट को, जो हैंडक्राफ्ट होता है, हाथों से बना हुआ क्राफ्ट होता है, इनको अभी भी बहुत वैल्यू है ना. तो हाथों से बने हुए कपड़े में और मशीन से बने हुए कपड़े में आज भी फर्क दिखाई देता है. लोग आज भी क्राफ्ट जो है व्यूअर्स वाले वो पसंद करते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस वॉज द पोएम और सेकंड पोएम इंडियन व्यूअर्स. द रिमेनिंग पार्ट ऑन दिस पोएम वी विल सी अनर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.